हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलर्ट्स की, ट्रेड के अलर्ट्स जो होते हैं उसकी, ट्रेड के नोटिफिकेशंस हो गए उसकी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो और ट्रेडर्स हैं, वो सब जो है मैक्सिमम जो है वो जॉब लाइन में है। फुल टाइम ट्रेडर्स भी हैं लेकिन जॉब लाइन में है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हम अलर्ट्स कैसे सेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है मोबाइल में ही नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर कोई ईमेल आ जाए, या फिर कोई ब्राउज़र अगर हमने ओपन किया है और कुछ काम कर रहे हैं साथ साथ, तो ब्राउजर का जो नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, वो नीचे नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए जो एक साइट है वो investing.com एक साइट है, और investing.com ये वाली चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स का सेंटर मिलेगा, अलर्ट सेंटर करके investing.com अगर साइट आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स का सेंटर मिलेगा। तो यहाँ जब देखिए, यहाँ अलर्ट सेंटर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस वाले इंस्ट्रूमेंट पे अलर्ट लगाना चाहते हैं। ये अलर्ट लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, मैं आपको कोई भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए ये येस बैंक था और येस बैंक में आपने ये वाला पैटर्न जो होता है फ्लैग पैटर्न, वो आइडेंटिफाई किया। अब फ्लैग पैटर्न क्या होता है ये अलग से वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो में मैं आपको अलर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। आपने ये देखा कि यहाँ एक इम्पल्स आया और उसके बाद करेक्ट कर रहा है ये, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक लेवल जो है देखेंगे कि एक लेवल क्या है। देखिए, ये एक लेवल बनता है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ यहाँ पे ये एक लेवल बनता है। ये लेवल आपका क्या है दोस्तों? ये लेवल है आपका 204.70, यानी 204 रुपये और 70 पैसे का लेवल है। तो जब भी आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन ना ट्रेड में, ट्रेड को वॉच करते रहें, ट्रेड को ना देखते रहें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अलर्ट लगा सकते हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस यानी येस बैंक का प्राइस 204 रुपये 70 पैसे से ऊपर जाएगा, तो आपके पास एक ईमेल आ जाए, या फिर नीचे ब्राउजर के नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर ऐप अगर इंस्टॉल की हुई है आपने investing.com की, तो उस पर अलर्ट आ जाए दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे येस बैंक आप टाइप कीजिए, ये आपको ऑटोमेटिकली येस बैंक दे देगा। और येस बैंक आप चाहते हैं, येस बैंक आपने आइडेंटिफाई किया कि ये 204 रुपये और करीबन 70 पैसे के ऊपर जब मूव करता है, तो 204 रुपये 70 पैसे के ऊपर अगर मूव करता है तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन है वेबसाइट का पॉपअप। वेबसाइट का पॉपअप क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ना एक पॉपअप आ जाता है आपके पास, अगर आपने नोटिफिकेशंस इनेबल किए हुए हैं, अगर आपने इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन इनेबल किए हुए हैं, तो आप अगर कुछ और काम कर रहे होगे, आप मान लीजिए आप डेवलपर हैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप अपने किसी भी लैंग्वेज में, .NET में, जावा में, पाइथन में, किसी में भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और साथ साथ आपका जो है स्टूडियो खुला हुआ है, डेवलपर स्टूडियो, और यहाँ पे आपके पास अलर्ट आ जाएगा। जब भी आपको चार्ट को कंटिन्यूअसली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस लेवल के ऊपर जाए। और दोस्तों, ये जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की है investing.com में। तो यहाँ पे आप येस बैंक कर देंगे मूव अबव, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एक होता है मूव अबव, एक होता है मूव बिलो। अगर आपने कोई यही यही पैटर्न अगर आपका नीचे की ओर बनता है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये वाला पैटर्न देखिए यहाँ बना, येस बैंक जो है ये लेवल आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इम्पल्स आई, उसके बाद ये करेक्ट कर रहा है, वापस एक इम्पल्स आएगी, तो जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, यानी ये 190.53 पे ब्रेकआउट देगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे मूव बिलो, कि मूव बिलो 190.83। तो यहाँ पे देखिए मूव अबव है, मूव बिलो है, गेन और लॉसेस। गेन और लॉसेस का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई स्टॉक 1% बढ़ गया है या 2%, आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ है कि 1.5% या कोई भी स्टॉक अगर 2% बढ़ गया, तो आपके पास एक अलर्ट आ जाए, और आप उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं और सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करना चाहते। जो मान लीजिए जैसे डिविज लैब है, ये 0.23% बढ़ा हुआ है, ऐसे स्टॉक्स आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि जो आपके फिल्टर क्राइटेरिया, यानी जो या तो लूज कर गए हैं 2% या गेन कर गए हैं 2%, वो वाले स्टॉक्स जो है आपके पास आ जाएं। तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ये गेन और लूजेस, ये गेन और लूजेस दोनों पे चलेगा, या तो 2% गेन कर जाए या 2% लूज कर जाए। गेन सिर्फ दो उस पे चलेगा कि वो सिर्फ गेन करेगा, और लूज चलेगा
वो 2% लूज कर जाए या जितना भी परसेंटेज आप देना चाहते हैं। वॉल्यूम्स का भी है दोस्तों इसमें, अगर वॉल्यूम्स आपने कोई मान लीजिए आपने 1 लाख का फिल्टर लगाया हुआ है कि वॉल्यूम किसी इस स्टॉक में अगर 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो आप जो है आपको वो आपके लिए वो क्राइटेरिया है कि वो वाला स्टॉक लिक्विड हो जाता है, उसके अंदर ट्रेंड जो है एमर्ज होने के चांसेस, ट्रेंड पकड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम एक्सीड का भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए 6 ऑप्शंस मिलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास जो है ये अलर्ट्स आ जाते हैं। मैं एक जो है आपको लगा के दिखा दूंगा। यस बैंक हमने आइडेंटिफाई किया था 204.70 पे, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आपको ये वंस वंस वाली फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, और मूव बिलो में भी वंस है, और गेन और लूजेस में ये रेकरिंग है। मतलब जब भी ये स्टॉक मान लीजिए येस बैंक 2% गेन करेगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा, फिर 2% गेन करेगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा, अगर 2% लूज करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप निफ्टी में भी यहाँ लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी में आप लगाएं, क्योंकि देखिए निफ्टी को ट्रैक, निफ्टी को आप ट्रैक खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि निफ्टी निफ्टी के फ्यूचर में, देखिए निफ्टी के फ्यूचर में आप लगाएं तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का इंट्राडे इंट्रा फ्यूचर्स आ रहा है, इसमें लगा सकते हैं। और मैं आपको एक यस बैंक में लगा के दिखा देता हूँ। यस बैंक आपने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मूव्स अबव 204.70 करा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपने आप ही देखिए आपको सेलेक्ट नहीं करने देगा, वंस ही रखेगा, क्योंकि जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो एक बार आपको अलर्ट देगा। अब यहाँ पे ये देखिए एक तो ये वाले बाय डिफॉल्ट ऑप्शन वेबसाइट पॉपअप जो आपके यहाँ नीचे पॉपअप आ जाता है नोटिफिकेशन, वो होगा। अगर मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल करी है तो मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईमेल नोटिफिकेशन ये अभी नया है, ईमेल नोटिफिकेशन आपको एक ईमेल आ जाएगी। अब ईमेल नोटिफिकेशन देखिए अगर आपने ब्राउजर में ईमेल जीमेल वगैरह खोला हुआ है और वहां पे आप दे रहे हैं तो वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार वहां जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल में ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है और जीमेल की सेटिंग आपने की हुई है कि जब भी कोई ईमेल आए तो आपके पास कोई बीप आ जाए, कोई अलर्ट आ जाए, कोई साउंड आ जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप कोई एक पर्टिकुलर साउंड कॉन्फ़िगर कर दो। मान लीजिए आपने ये बात देख लिया कि इस वाले ईमेल आईडी से, मतलब investing.com के ईमेल आईडी से जो भी ईमेल आ रही है उस पे ये वाली पर्टिकुलर बीप आए, तो आपको सारी ईमेल बार बार इतनी ईमेल्स आएंगी तो सारी ईमेल्स पे बार बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई और भी काम कर रहे हैं, तो आप ये अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने लैपटॉप की साउंड जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास अपने आप ही अलर्ट आ जाएगा और एक साउंड आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप इसको क्रिएट अलर्ट करेंगे तो ये देखिए ये कह रहा है कि in.investing.com wants to show notifications, ये अलाउ कर देना क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास। तो ये देखिए येस बैंक का अलर्ट आपका यहाँ पे लग गया है। अब इसका स्टेटस देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारे जो भी आपके सिंबल्स हैं उनमें सब में जाके आपको ये अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बैच जो है सिंबल्स का या एक बैच जो है स्टॉक्स का सेलेक्ट कर सके और उन पे ये चीज़ लगा सके, ऐसा अभी नहीं है दोस्तों। और इसका स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक ये फील्ड है। एक्शन में आप देखिए यहाँ पे एक्शन में आप चेंज कर सकते हैं कि आप ईमेल नहीं चाहते, आपका ईमेल जो है बहुत ज़्यादा भर भर जाएगा, इतने नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मान लीजिए आपने 50 स्टॉक कॉन्फ़िगर कर रखे हैं तो आपके पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन की लाइन लग जाए ईमेल में, तो आप ईमेल वाली नोटिफिकेशन हटा दीजिए और यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ ये आपके पास ये आ जाएगा, डिलीवरी मेथड जो है वेबसाइट में पॉपअप आएगा और एक मोबाइल पे पॉपअप आएगा। और दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट्स पे अलर्ट लगते हैं, ऐसी अर्निंग्स पे भी अलर्ट लगते हैं, जैसे अर्निंग्स आ रही हैं। और ये अभी देखिए लिमिटेड टू US स्टॉक्स है, ये investing.com आगे चल के दे सकता है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी है, जैसे मतलब फेड का रेट कट आ रहा है या फिर क्रूड की इन्वेंट्री डेटा आता है, फेड का रेट कट आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है RBI की, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो उनके भी रिमाइंडर्स आप यहाँ लगा सकते हैं, अलर्ट्स लगा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है, मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ काफ़ी सारे सिम्बल्स पे। और अलर्ट्स की फीड आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट्स की फीड में आपको देखिए अलर्ट्स दिख जाएंगे। निफ्टी पे मैंने अलर्ट्स लगा रखे हैं, निफ्टी जब भी कुछ परसेंटेज मूव करता है तो मेरे पास अलर्ट आ जाता है, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ को ट्रैक करें, और ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको यूज़ करें। इसका मेन फंडा यही है कि आपको सबसे पहले जो है स्टॉक में कुछ बनने देना चाहिए, स्टॉक को कुछ पकने देना चाहिए, मतलब कि स्टॉक में एक मोमेंटम आया है और उसके बाद वो रिट्रेसमेंट पे है, और फिर आपने लेवल मार्क करके उस लेवल के ऊपर जब भी क्लोज वो मूव करता है तो आपके पास एक अलर्ट आ जाए।
और पूरा दिन आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है चार्ट के सामने, पूरा दिन चार्ट को निहारने की ज़रूरत नहीं है। और आप जितना चार्ट को देखते हैं, देखिए स्ट्रेस भी होता है उतना ही, तो आप ये अलर्ट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ कीजिएगा। और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना अच्छा आपकी ट्रेडिंग में ये चीज़ बेनिफिशियल हुई, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा इसका उठा सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।